स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। और करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं कुछ साहित्य से रिलेटेड प्राइस जो एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और चलिए देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में जो दिया गया है, 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है नंबर वाइज कि कौन सा एडिशन था। तो 54th एडिशन था ये 2018 में जो दिया गया है। तो 54th जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है अमिताभ घोष को। किसको? अमिताभ घोष को। ये अंग्रेजी के लेखक हैं और इनका उपन्यास है द शैडो लाइंस। द शैडो लाइंस के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 54th। इससे पहले का भी आपको पता होना चाहिए 53। तो 53rd जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था कृष्णा सोबती जी को। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो याद रखिएगा, वो दिया गया है किसको? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जी शंकर कुरूप। तो ये आप याद रखिएगा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 53rd, 54th और जो फर्स्ट है वो एटलीस्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और जो आप याद रख सकते हैं कि ये 22 भाषाओं में दिया जाता है इंक्लूडिंग इंग्लिश, यानी इसमें इंग्लिश को भी एक भाषा मतलब भाषा में, इंग्लिश भाषा में भी दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वही है, और इसके अलावा इंग्लिश और नेपाली लैंग्वेज में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ केवल इंग्लिश में और 22 जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उसमें, और ये 24 में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी और उर्दू के लिए जो दिया गया है वो दिया है, हिंदी के लिए दिया गया है चित्रा मुदगल जी को, और इनकी जो रचना है वो है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। इस रचना के लिए इनको क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये याद रखिएगा हिंदी के लिए, अगर ये कि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा क्या है, हिंदी के लिए पूछा है या उर्दू के लिए पूछा है, तो हिंदी और उर्दू मेनली आते हैं। तो हिंदी के लिए चित्रा मुदगल जो कृति है उनकी क्या है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। और उर्दू के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है रहमान अब्बास को, उनकी जो रचना है वो है रोहजिन। क्या रचना है? रोहजिन। और किसको दिया गया है? रहमान अब्बास। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो है सांस्कृतिक सद्भाव टैगोर पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है इनकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी 2012 में। 2012 में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनकी 150वीं जयंती थी, तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने सांस्कृतिक सद्भाव टैगोर पुरस्कार की घोषणा की थी। और इस बार जो दिया गया है वो 2014, 15 और 16 तीनों ईयर के लिए, कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए ये पुरस्कार डिक्लेयर किया गया। तो आपसे किसी का भी पूछ सकता है क्योंकि 2018 में ये बताए गए हैं। तो 2014 के लिए दिया गया है राजकुमार सिंघाजीत सिंह को, तो ये आप याद रखिएगा कौन है? राजकुमार सिंघाजीत सिंह। 2015 के लिए दिया गया है छाया नौत को। छाया नौत कोई व्यक्ति नहीं है, छाया नौत एक बांग्लादेश का सांस्कृतिक संगठन है, ये याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं छायानौत क्या है, तो छायानौत जो है वो बांग्लादेश का एक सांस्कृतिक संगठन है। तो 2015 के लिए छायानौत को, और 2016 के लिए रामसूतर वांझी को। रामसूतर वांझी कौन है? ये मूर्तिकार है जिन्होंने अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जो सबसे ऊंची प्रतिमा है उसको बनाया है, तो ये कौन है? मूर्तिकार है। तो रामसूतर वांझी, इनको 2016 के लिए दिया गया है। तो ये हो गया सांस्कृतिक सद्भाव टैगोर पुरस्कार, और ये सबसे पहला 2012 में ये शुरू हुए थे, और सबसे पहला ये जो सितार वादक हैं पंडित रविशंकर प्रसाद, ये उनको दिया गया था। तो ये आप एक रफ आइडिया रखिएगा कि 2012 में सबसे प्रथम पुरस्कार ये पंडित रविशंकर प्रसाद को दिया गया था। इसके अलावा एक है आपका बंग विभूषण पुरस्कार। बंग विभूषण पुरस्कार जैसे कि नाम से लग रहा है ये जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसके द्वारा दिया जाता है। तो पश्चिम बंगाल सरकार जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की जो है ममता बनर्जी, उन्होंने बीना पाणी देवी को दिया है। किसको? बीना पाणी देवी, बंग विभूषण पुरस्कार। ये भी एक लिटरेरी अवार्ड है।
इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्राइज है, वो है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ये इस बार जो था वो है 28वां व्यास सम्मान, जो 2018 का है। कौन सा है? 28वां। आपसे नंबर वाइज भी पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा 28वां व्यास सम्मान है। ये कौन सी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये भी पूछ सकता है, तो वो है के बिरला फाउंडेशन। और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। तो ये दोनों ही सम्मान, जो व्यास सम्मान है और जो सरस्वती सम्मान है, वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो 28वां जो व्यास सम्मान है वो दिया गया है लीलाधर जगुड़ी को। और उनका जो मतलब उनकी कृति कौन सी है? जितने लोग उतने प्रेम। आपसे ये भी पूछ सकता है किस कृति के लिए दिया गया है, तो कौन सा है? जितने लोग उतने प्रेम, 28वां है ये। 27वां, इनसे पहले जो व्यास सम्मान दिया गया था वो ममता कालिया को दिया गया था। ये 2018 मतलब जब 2018 के करंट अफेयर में कवर किया गया है, तो ये दिया गया था ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए। तो इस बार किसको दिया गया? 28वां लीलाधर जगुड़ी को। इसके अलावा एक है आपका इम्पोर्टेंट सरस्वती सम्मान। इसमें भी जो 2018 वाला है, देखिए सरस्वती सम्मान भी 2018 वाला 28वां ही है, व्यास सम्मान भी 2018 वाला 28वां ही है। तो 2018 को जो सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है के शिवा रेड्डी को। ये आप याद रखिएगा, किसको दिया गया है? के शिवा रेड्डी। ये कौन है? ये तेलुगु कवि हैं, और इनकी जो रचना है वो थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि तेलुगु कवि है तो तेलुगु ही तेलुगु सा नाम, तेलुगु नेम है। यह है पक्काकी ओटा गिली टाइट। पक्काकी ओटा गिली टाइट ये भी नाम आप आ सकता है, और वैसे इसका इंग्लिश में नाम है टर्निंग असाइड लेट डाउन। क्या है? टर्निंग असाइड लेट डाउन। तो आपसे दोनों ही नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। हो सकता है आपको दे दें इंग्लिश वाला नाम टर्निंग असाइड लेट डाउन, या फिर आपको तेलुगु नाम देकर पूछा जा सकता है पक्काकी ओटा गिली टाइट। तो ये तेलुगु कवि जो है के शिवा रेड्डी, ये भी याद रखिएगा कि कौन से मतलब लैंग्वेज के कवि हैं ये पूछा जा सकता है, तो किसके हैं? तेलुगु कवि। इससे पहले जो 27वां था वो सितांशु यशचंद्र को दिया गया था, वो गुजराती कवि हैं। ये हो गया आपका। इसके अलावा ये भी आप याद रखिएगा, जैसे हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखा था कि वो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ऐसे ही जो सरस्वती सम्मान भी इम्पोर्टेंट है उसमें प्रथम किसको दिया गया है ये भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम जो दिया गया था वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सम्मान है छत्रपति सम्मान। छत्रपति सम्मान भी पूछा जा सकता है। ये जो आनंद बाजार पत्रिका है, जो आनंद बाजार पत्रिका के जो कोलकाता के जो क्षेत्रीय संपादक हैं सुब्रत बसु इनको दिया गया है छत्रपति सम्मान। किसको? सुब्रत बसु को। अब कुछ अभी पहले हम जो मतलब इंडिया के हैं, थोड़े से जो इंडिया के जो लिटरेचर है उनको दिए गए हैं तो वो देख लेते हैं। एक है आपका शलाका सम्मान। शलाका सम्मान 2018 के लिए किसको दिया गया है? वो दिया गया है जावेद अख्तर को। किसको शलाका सम्मान? जावेद अख्तर। इसके अलावा एक उत्तर प्रदेश जो हिंदी संस्थान है उसकी ओर से सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है, वो है भारत भारती सम्मान। ये सर्वोच्च पुरस्कार है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है रमेश चंद्र शाह को। ये भी आप याद रखिएगा, यूपी के करंट अफेयर में पूछा जा सकता है और बहुत पूछा जाता है भारत भारती सम्मान, तो रमेश चंद्र शाह को 2018 के लिए। कालिदास सम्मान है, कालिदास सम्मान 2018 के लिए मिला है अंजोली एला मेनन को। किसको मिला है? अंजोली एला मेनन। रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए वो जो था जो 150वीं जयंती पर 2012 में शुरू किया गया था वो था सांस्कृतिक सद्भाव टैगोर पुरस्कार, जो 14, 15, 16 के लिए एक साथ डिक्लेयर किए गए थे। ये जो पुरस्कार है ये अलग है, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ये 2019 के लिए दिया गया है राणा दास गुप्ता को। किसको? राणा दास गुप्ता। इसके अलावा
एक ये कुछ इम्पोर्टेंट और प्राइज हैं, जैसे जो जो आर्किटेक्चर नोबेल का आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है, एक आपका मैथ्स का आर्किटेक्चर मतलब मैथ्स का नोबेल प्राइज बोलते हैं। तो जैसे पहला ये वाला देखिए, डेन डेविड पुरस्कार, ये जो है इसराइल की तरफ से दिया जाता है, जो इसराइल देश है, इसराइल का पुरस्कार है डेन डेविड पुरस्कार। तो ये 2019 के लिए दिया गया है संजय सुब्रमण्यम को। किसको? संजय सुब्रमण्यम, डेन डेविड पुरस्कार। प्रिट्जर प्राइज जो है, प्रिट्जर प्राइज को आप नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हो, यानी कि वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज है, मतलब सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर कौन सा पुरस्कार है, आप चार ऑप्शन दे दे, तो उसमें आपका कौन सा लाया गया? प्रिट्जर प्राइज। तो प्रिट्जर प्राइज जो है वो मिला है इस बार 2019 का अराता इसोजाकी को। किसको? अराता इसोजाकी। ये कहाँ की है? ये है जापान की। ये प्रिट्जर प्राइज उनको मिला है। और इससे पहले केवल मतलब जो प्रिट्जर प्राइज है वो केवल एक ही भारतीय को मिला है, जो 2018 में दिया गया था, वो थे बालकृष्ण दोषी जी। तो केवल वही एक इंडियन है जिनको प्रिट्जर प्राइज अभी तक मिला है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जा सकता है, क्योंकि आपसे हो सकता है 2019 का ना पूछें, 18 का ही पूछ लें, क्योंकि वही पहले इंडियन है जिनको ये प्राइज मिला है। इसके अलावा एक है एबल प्राइज। एबल प्राइज जो है इसको नोबेल प्राइज बोलते हैं ऑफ मैथ्स, ये गणित का नोबेल है। तो एबल प्राइज मिला है करेन उलेन बेक को। किसको? करेन उलेन बेक। ये पहली महिला है जिनको गणित में नोबेल प्राइज मतलब गणित का जो ये एबल प्राइज है ये मिला है। इससे पहले जितने भी एबल प्राइज हैं वो मेंस को ही मिले हैं। तो ये पहली महिला है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, करेन उलेन बेक। इसके अलावा एक है बोडले प्राइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है। क्यों? क्योंकि ये अमर्त्य सेन जो प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इकोनॉमी का। तो अमर्त्य सेन को क्या मिला है? बोडले प्राइज मिला है। और किसने दिया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको दिया गया है। ये प्राइज भी हमने कवर कर लिया। एक दो प्राइज और हैं, ये है आपका टेम्पल्टन प्राइज और एक है वैश्विक शिक्षक प्राइज। तो जो टेम्पल्टन प्राइज है 2019 के लिए वो प्रोफेसर मार्सेलो ग्लीसर को मिला है। किसको? मार्सेलो ग्लीसर। और जो वैश्विक शिक्षक प्राइज है 2019 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिला है पीटर तबीची को। किसको? पीटर तबीची को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। इसमें जो याद रखने वाले हैं, याद रखने वाले तो सारे हैं, लेकिन एक बार आपने पढ़े होंगे तो आप टिक कर सकते हो। जैसे वैश्विक शिक्षक प्राइज है पीटर तबीची, ठीक है, टेम्पल्टन प्राइज है प्रोफेसर मार्सेलो ग्लीसर, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार राणा दास गुप्ता, और अपने जो सरस्वती सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। तो ये सभी प्राइज एक बार आप और देखिएगा, और मतलब जैसे ही आप देखते रहेंगे तो एक बार देखने में ही आपको समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।